मिलने के लिए गए तो डॉक्टर ने हमसे कहा कि आप बार बार क्यों आ रहे हो, अब की बार अगर आईसीयू में आपने कदम रख दिया तो हम आपको बांध के यहीं बिठा लेंगे। हमें बिल्कुल लड़की से मिलने नहीं दिया जाता इस दौरान। हमने काफी कोशिश करी, काफी हाथ पैर भी जोड़े, पर हमें बिल्कुल गार्ड से साफ कह दिया गया कि इन लोगों में से कोई अंदर ना आए। वो हमें बुलाते हैं और हमसे कहते हैं कि आपकी लड़की मर चुकी है और इसको 10 मिनट के अंदर इस हॉस्पिटल से ले जाओ। अगर 10 मिनट के अंदर आप इस अपनी बॉडी को लेके नहीं जाते हो तो एक महीने के लिए हम इस बॉडी को सीधा मोर्चुरी में डाल देंगे, फिर आपको एक महीने बाद मिलेगी, फिर हमसे मत कहना। जब उन औरतों ने उस पट्टी को हटाया तो देखा तो उसका पूरा का पूरा पेट गायब है, पूरा पेट गायब है और उस पेट के अंदर पन्नियां घुसी हुई हैं, यूरिन थैली। औरतों ने उसको देख के चीखे मारी यहाँ पे और उल्टी करती हुई बाहर आई। सर हुआ कुछ भी नहीं था, हमारी लड़की में के 20 तारीख को एक छोटा सा पेट में दर्द हुआ था जिसकी वजह से हम उसे 21 तारीख को बाड़ा इंदिरा हॉस्पिटल में ले गए थे। बाड़ा इंदिरा हॉस्पिटल में जाने के बाद में डॉक्टरों ने उसके चेकअप करे, कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करे, उसके बाद में उन्होंने कहा कि हमारा जो है इसके पेट में जो दर्द हो रहा है वो हमारे ऐसे समझ में नहीं आएगा तो हम इसकी एक MRI कराएंगे। तो रिपोर्ट्स में जब तक कुछ खुलासा नहीं, जब तक कोई खुलासा नहीं हुआ, सिर्फ एक नॉर्मली एक चेकअप वगैरह ब्लड टेस्ट वगैरह होते रहे। उसके बाद में डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका एक MRI करवाएंगे, MRI के बाद हम आपको एग्जैक्टली बता पाएंगे कि इस लड़की के अंदर आखिर दिक्कत क्या है। तो कौन से तारीख की बात है, 23 तारीख की तारीख टेस्ट, 21 तारीख की बात है जब टेस्ट हुए, 21-22 में टेस्ट हुए, फिर 23 तारीख को उन्होंने MRI करवाया और 22 तारीख को उन्होंने MRI करवाया और 23 तारीख को उसकी रिपोर्ट आई। 23 तारीख को उन्होंने बताया कि इस लड़की का ऑपरेशन होगा, आप ऑपरेशन की तैयारी कर लो। इसकी वजह पूछने पर उन्होंने बताया कि हमने पूछा उनसे, मैंने कि कोई बड़ा ऑपरेशन तो नहीं है, बोले नहीं एक मामूली सा छोटा सा ऑपरेशन होगा, लड़की के साइड में यहाँ पे एक छोटी सी गांठ है जिसका हम छोटा सा एक ऑपरेशन करेंगे और उस गांठ को या तो निकाल देंगे या जो भी उसकी आते वगैरह हम चिपकी होंगी उसे खोल देंगे। उसके बाद में 2-3 घंटे में लड़की घबराने की बात नहीं, छोटा ऑपरेशन की घबराने की कोई बात नहीं, आपको डॉक्टर्स ने ये बताया। जी हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है। 24 तारीख को 12:30 बजे वो लड़की को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। 12:30 बजे से लेके और 6:30 बजे तक ये ऑपरेशन चलता है। 6:30 बजे के बाद वो सीधा लड़की को ICU में शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद में हम ICU में उस लड़की से मिलने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर हमें मिलने के लिए साफ मना कर देते हैं। डॉक्टरों का कहना ये होता है कि लड़की आपकी अभी बेहोश है, 3-4 घंटे में लड़की को होश आ जाएगा तो हम आपको फिर खुद ही बुला लेंगे, आप बाहर बैठिए। हम लड़की के होश में आने का वेट करने लगे। 3-4 घंटे बीत गए, 3-4 घंटे के बाद हम फिर डॉक्टर साहब के पास गए। हमने उनसे पूछा, डॉक्टर अभी तक आई नहीं लड़की। उन्होंने कहा कि भाई लड़की जब आ जाएगी आपको कि जब हम आपको बुला लेंगे, आप बार बार क्यों आ रहे हो, क्यों हमें परेशान कर रहे हो, आपको बार बार आने की जरूरत नहीं है, आप 24 घंटे वेट करो। ये जो बात डॉक्टर कह रहे थे पूरे कॉन्फिडेंस थे या कुछ घबराहट थी डॉक्टर की बात में जो आपको बात? घबराहट थी, चिड़चिड़ाहट थी, तब तक आपको ये बात समझ नहीं आई? गुस्से में थे डॉक्टर, ऐसा नहीं कि नॉर्मली हमसे बात कर रहे थे, डॉक्टर गुस्से में थे हमसे। यहां तक कि डॉक्टर ने कहा, जब हम दोबारा मिलने के लिए गए तो डॉक्टर ने हमसे कहा कि आप बार बार क्यों आ रहे हो, अब की बार अगर ICU में आपने कदम रख दिया तो हम आपको बांध के यहीं बिठा लेंगे। ये ICU है, यहां पे जो है क्या नाम, पूरे हॉस्पिटल के सबसे ज्यादा बीमार लोग हैं और अगर आप यहां पर आओगे फिर बाहर जाओगे तो यहां की सारी बीमारी आप बाहर ले जाओगे, तो यहां पे आने की जरूरत नहीं है। और कह के बाहर कर दिया, बाहर कर दिया हमें। उसके बाद में हम गए भी नहीं। वो 24 तारीख की रात गुजरी, 25 तारीख आ गए, 24 घंटे हो गए। 24 घंटे बाद हम फिर शाम को गए, 6 बजे वो लोग आए थे, 6 बजे हम दोबारा उनके पास गए, 6 बजे के बजाय और 7-8 बजे गए। हमने कहा डॉक्टर साहब अब तो 24 घंटे भी बीत गए, अब हमारे पेशेंट की क्या हालत है? बोले लड़की आपकी थोड़ी सीरियस हालत में है तो आप अगर चाहो तो इस लड़की को कहीं और ले जा सकते हो। तो हमने कहा हम कहाँ लेके जाएंगे, जब लड़की का ऑपरेशन यहीं हो गया, सारी चीज़ें यहीं हो गई, अब अगर हम अपने लेवल पे लेके जाएंगे तो हमसे तो कोई लेगा नहीं, अगर आपको भेजना है तो आप इसे रेफर कर दीजिए। बोले नहीं एक काम करिए, हम इसका कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं और कुछ इंजेक्शन वगैरह है। रेफर करने को भी तैयार नहीं, रेफर करने को भी तैयार नहीं थे, अपने रिस्क पे लेके जाइए, रिस्क पे लेके जाइए, हमसे ये कहा। 24 तारीख की बात है, आप 25 की बता रहे हैं? ये 25 की बात बता रहा हूं मैं आपको। 24 तारीख को तो हमें मिलने ही नहीं दिया बिल्कुल, ये 25 तारीख को हमारी डॉक्टर से बात हो रही है। 25 तारीख को वो 2 इंजेक्शन मंगाते हैं हमसे जिनकी कॉस्ट 7,000-7,000 रुपए थी, एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसकी कॉस्ट 3,000 रुपए थी और उसके बाद में एक ब्लड बैंक से ब्लड मंगाते हैं। कहने लगे अभी आपकी लड़की की हालत जो है धड़कन कम हो रही है तो इंजेक्शन लगा के उसकी धड़कन हम नॉर्मल करेंगे और आपकी लड़की की हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी लड़की आपकी सीरियस हालत में है। हमें बिल्कुल लड़की से मिलने नहीं दिया जाता इस दौरान। हमने काफी कोशिश करी, काफी हाथ पैर भी जोड़े, पर हमें बिल्कुल गार्ड से साफ कह दिया गया कि इन लोगों में से कोई अंदर ना आए। ठीक है, हम नहीं गए। उसके बाद में सुबह 26 तारीख को सुबह 9 बजे वो हमें बुलाते हैं और हमसे कहते हैं कि आपकी लड़की मर चुकी है और इसको 10 मिनट के अंदर इस हॉस्पिटल से ले जाओ। अगर 10 मिनट के अंदर आप इस अपनी बॉडी को लेके नहीं जाते हो तो एक महीने के लिए हम इस बॉडी को सीधा मोर्चुरी में डाल देंगे, फिर आपको एक महीने बाद मिलेगी, फिर हमसे मत कहना।
अपने आप ही उन्होंने कोरोना वायरस के टाइम पे एक पैकेट चलता था चेन वाला, जिसके अंदर बॉडी पैक करके दिया करते थे, उसके आप उन्होंने अपने आप ही बॉडी को पैक किया। पैक करने के बाद में सीधा उन्होंने एम्बुलेंस में डाला और ड्राइवर से कहा फटाफट लेके जाओ। हमें भी एम्बुलेंस करी उन्होंने, आप लोगों ने नहीं, हमने कोई नहीं करी, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। जबकि नॉर्मल डेथ में बॉडी को वो लोग निकाल के साइड में रख देते हैं और कहते हैं आपका पेशेंट मर चुका है, अब आप इसे ले जाओ जैसे भी ले जाओगे, एम्बुलेंस करके ले जाओ, प्राइवेट गाड़ी से ले जाओ, कैसे भी ले जाओ। लेकिन उस दिन हमें कुछ भी नहीं करना, आप लोगों को ज्यादा सोचने का वक्त नहीं दिया, गाड़ी खड़ी करवा दी, बस गाड़ी में बैठ गए और घर गए। हमें एक 10 मिनट की टाइम लाइन मिली थी, उस टाइम लाइन के अंदर हमें उस हॉस्पिटल से निकलना था, अगर हम नहीं निकलते तो हमारी बॉडी को निकाल के ये लोग वहां शिफ्ट कर देते। ये बाकायदा हमसे कहा गया इस बात को, अगर 10 मिनट में आप नहीं ले गए तो 10 मिनट के अंदर इस बॉडी को हम मोर्चरी में डाल देंगे, फिर जब 1 महीने में या 2 महीने में उसकी बॉडी मिलेगी फिर हमसे मत कहना। हम तो वैसे ही परेशान थे, हम यहाँ पर लिया है, नॉर्मल थे, हमें कुछ ऐसा अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हमारी लड़की के साथ हुआ होगा या कोई ऐसी बात है। हम यहाँ पे लाते हैं, कफन दफन की सारी क्रिया होती है हमारी, इकट्ठे होने शुरू होगा जब सुना होगा कि ऐसे इंतकाल हुआ है, रोना पीटना हो गया, सारी चीजें हो गई, सब इकट्ठे भी हो गए। हमने भी जो हमारा काम था वो चालू कर दिया, कब्रिस्तान में जाके कब्र खुदवा दी, कफन दफन का सारा कमान लिया है। अब उसके नमाज पढ़ाने से पहले हमारे में एक गुसल कराया जाता है, लड़की को नहलाया जाता है। जब आस पड़ोस की रिश्तेदारों की औरतें, मोहल्ले पड़ोस की औरतें जब उसको नहलाने के लिए आती हैं तो उसके पेट पे एक यहाँ पे छोटी सी पट्टी बंधी हुई थी, बड़ी मतलब काफ़ी बड़ी पट्टी थी वो, उसका पेट उस पट्टी से पूरा ढका हुआ था। तो हमें लगा उस पट्टी के नीचे टांके होंगे, जाहिर सी बात है क्योंकि ऑपरेशन तो 24 तारीख को हो चुका था, अगर आप किसी चीज़ का ऑपरेशन करेंगे तो उसे बंद करेंगे ना, खोल के तो रखेंगे नहीं। जब उन औरतों ने उस पट्टी को हटाया तो देखा तो उसका पूरा का पूरा पेट गायब है, पूरा पेट गायब है, और उस पेट के अंदर पन्नियां घुसी हुई हैं, यूरिन थैली, जो यूरिन वगैरह जिसकी पेशाब की जो थैलियां होती हैं वो थैलियां उस बच्चे के पेट के अंदर घुसी हुई है, और उसका पेट ही ऊपर का पूरा गायब है, और उसके पेट में से तरह तरह की मवादें निकल रही हैं, पीप निकल रही हैं, और उसका जो बॉडी है वो ऊपर से ये पूरा नीला पड़ा हुआ है, ये बदन पूरा नीला पड़ा हुआ है, चेहरा पूरा नीला पड़ा, बदबू आ रही है उसके शरीर के अंदर से, ये हाथ सीधा नहीं हो रहा। तो औरतों ने उसको देख के चीखें मारी यहाँ पे और उल्टी करती हुई बाहर आई। जब बाहर रोते हुए हमें सारी बात का बताया तब हम अंदर आए, तब हमने देखा तो उस बॉडी के अंदर बदबू आ रही थी। जब बदबू आ रही थी तो हमें तो अंदाजा हुआ कि ये सेम डे की तो मरी हुई लाश है नहीं, पहले की है, क्योंकि तेली बदबू नहीं आती इतनी। अब आप देखो ना कि इतना सर्दी का मौसम है जिसके अंदर सर्दियों के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, उसमें अगर किसी बॉडी के सिर्फ 4-5 घंटे के अंदर बदबू पैदा हो जाए और वो बॉडी अकड़ जाए, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो हमने तुरंत 100 नंबर पर कॉल करी, 100 नंबर के अधिकारी यहाँ पर आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि हाँ लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है, उन्होंने अपने सीनियर को बताया। यहाँ पे मौके पे एसीपी साहब आए और तीनों थाने के एसएचओ आए, और आने के बाद में उन्होंने कहा नहीं ये लड़की के साथ बहुत गलत हुआ, ये हमें साफ साफ दिख रहा है, तो हम हॉस्पिटल को छोड़ेंगे नहीं, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने तुरंत ही एसीपी साहब ने एम्बुलेंस बुलवाई और उस लड़की को, हमारी मतलब बेटी को उठा के और सीधा इसमें जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल में एमएलसी के लिए भेज दिया, शास्त्री पार्क भेज दिया। जी हाँ, शास्त्री पार्क एमएलसी के लिए भेज दिया, वहाँ लड़की की एमएलसी तैयार हुई हमारी। एमएलसी के बाद आईओ उस पर अपॉइंट हुए, और आईओ साहब ने उनसे ये कहा कि कल सुबह 9 बजे आप आ जाना, हम इसको जीटीबी भेज रहे हैं, अभी जीटीबी में कल इनका पोस्टमार्टम हो जाएगा, 27 तारीख को पोस्टमार्टम हो जाएगा, पोस्टमार्टम हो जाएगा 27 तारीख को। ये आईओ साहब ने हमसे कह दिया, और एसीपी साहब भी मौके पे हमसे इस बात को कह गए थे कि आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, आपका सारा काम बहुत जल्दी फटाफट होगा। अब 27 तारीख के बाद हम सुबह उस्मानपुर थाने में जाते हैं तो आईओ साहब मिलते ही नहीं है, बोले जी अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, अभी मैं आ रहा हूं, तो हम 9 बजे से लेकर 11 बजे तक उनका वेट करते हैं। बहुत सुबह 9 बजे हम वहां से चले गए थे, आईओ साहब ने तो हमारा उस दिन पूरा दिन ही खराब करा है जानबूझ के, क्योंकि हम वहां पे गए 9 बजे, आईओ साहब आते हैं 11 बजे, फिर वो कहते हैं कि मैं अंदर जाके वर्दी डाल के आ रहा हूं, वर्दी डाल के आने में उनको 4 घंटे लगते हैं, वो 3 बजे हमारे पास आते हैं। उस्मानपुर थाने के आयो, जी हाँ, क्या नाम बताया था? सुधांशु, एसआई सुधांशु। यहाँ से फिर वो 3 बजे हमारे साथ चलते हैं, 4 बजे वो जीटीबी हॉस्पिटल पहुँचते हैं, अंदर का एक चक्कर काट के आते हैं और बोलते हैं कि जी अभी तो ये शाम हो गई है और ये आपका जो मामूली केस है नहीं, तो ये बहुत बड़ा केस है आपका, आपने बहुत बड़े एलिगेशन लगाए हैं, तो ये तो आपकी आज हो नहीं पाएगी, डॉक्टरों का पैनल बनेगा। तो मैंने कहा सर ये बात तो आप हमसे वहाँ भी कह सकते थे, हम आपका पूरे दिन वेट कर रहे हैं फिर आपके साथ आ रहे हैं, आप इतनी सी बात हमें बता रहे हो। बोले जी पुलिस का रवैया बदलना शुरू हो गया था, भैया पहले दिन से ही बदलना शुरू हो गया था, कोई हमारे काम को करने को तैयार नहीं था। फिर हमने अगले दिन भी उस बात को वो देखा, फिर अगले दिन पता लगता है हमें कि यहाँ से उठा के खोली हमारी ट्रांसफर कर दी सब्जी मंडी थाने में, फिर हम सब्जी मंडी थाने जाते हैं, थाने इसलिए क्योंकि अस्पताल उस इलाके में लगता है, अस्पताल उस इलाके में लगता है। मगर उन्होंने हमसे ये कहा था कि आपकी FIR जो है, हम FIR की डिमांड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा FIR आपकी सब्जी मंडी थाना काटेगा लेकिन पोस्टमार्टम इसका हम ही करवाएंगे। अगले दिन वो पोस्टमार्टम से भी बदल गए। फिर वहां पे हम जाके आईओ शैलेश जी से मिले, ASI शैलेश जी जो सब्जी मंडी के आईओ थे हमारे, उनसे जाके मिले, उन्होंने हमें बताया, उन्होंने काफी अच्छी बातचीत भी करी हमसे, उन्होंने बताया कि भाई केस मेरे पास अभी आया नहीं है, अभी DCP साहब इस बात की मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग के बाद DCP साहब बताएंगे पक्का कि ये केस किसके हाथ में है।
उसके बाद में शाम तक वो बताते हैं शैलेश जी कि केस तो मेरे पास आ गया है मगर आज शनिवार पड़ गया है तो शनिवार इतवार की छुट्टी है। उसके बाद में सोमवार में आपका मैं शनिवार इतवार पोस्टमार्टम नहीं होगा आपका, दो दिन के लिए फिर वैसी बॉडी रहेगी, वैसी पड़ी रहेगी। मतलब जिंदगी तो इन्होंने खराब कर ही दी थी, अब जी तो उन्होंने मतलब तब बुरा हाल करा, मरने के बाद भी इंसान के शरीर के साथ ये किया जा रहा है, खिलवाड़ हो रहा था एक तरीके से, मतलब कानून का भी खिलवाड़ हो रहा था। पहले तो हॉस्पिटल में पूरे सिस्टम का खिलवाड़ हुआ, अब कानून का खिलवाड़ देख बातों के साथ अलग से। बिल्कुल, हमारे घर में हमारे जितने भी लोग हैं सब काम धंधा सबका छूटा हुआ है, हम रोजाना काम करके रोजाना खाने वाले लोग हैं, हमारा सबका काम धंधा छूटा हुआ है। हमारे घरों में रिश्तेदार पता नहीं कितनी कितनी दूर से आए हुए हैं, उनके भी काम धंधे छूटे हुए हैं, मगर इस चीज से पुलिस को प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है। उन्हें नहीं पता कि किसी घर के अंदर चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा। अभी तक की कार्यवाही क्या हुई? अभी तक की कोई भी कार्रवाई नहीं है। अभी आज सिर्फ इतना सा हुआ है कि वो जो आईओ साहब थे हमारे, उन्होंने कहा कि आपकी जो बॉडी का पोस्टमार्टम है वो पोस्टमार्टम जीटीबी ना होके मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में होगा। तो सिर्फ अब तक इतना हुआ है कि जीटीबी से बॉडी, यहाँ से बॉडी उठ के जीटीबी गई है और जीटीबी से बॉडी उठ के वहाँ पे गई है। जब बिल्कुल ही इन्होंने काम करना बंद कर दिया, फिर हमने अपने कुछ जानने वालों से मदद की गुहार लगाई, जिसपे हमें फरहान जी का नंबर मिला। हमने फरहान जी को कॉल करी, फरहान जी आए, उन्होंने सारी रिपोर्टिंग करी हमारी। रिपोर्टिंग करने के बाद काफ़ी लोगों को बताया अपने चैनल के माध्यम से, अपने यूट्यूब के फेसबुक के माध्यम से। तब लोगों का कुछ प्रेशर जब आना शुरू हुआ, प्रेशर आया उसके बाद में आज जाके हमारी बॉडी को ये पता चला है कि कल सुबह 8 बजे उसका पोस्टमार्टम शुरू होगा। 7 दिन तो हमें ये हो गए धक्के खाते हुए, अब आगे भी होगा, हुआ कुछ नहीं है अभी तक, बस ये है कि तसल्ली मिली है कि अब कल होगा। तो देखिए, उनके थ्रू अगर कुछ हो जाए तो हो जाए, हमारे थ्रू कुछ नहीं हो रहा। हम आम इंसान, एक आम शख्स जा रहा है तो उसका ना पुलिस कोई कार्रवाई कर रही, ना पोस्टमार्टम हो रहा, ये हाल है। ये हाल है बिल्कुल, मतलब अपनी एक जने ने तो गलती करी, उसको सामने लाके दिखाने की बजाय उसको और दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। ये वालना है। मैं इससे पहले भी कुछ आपकी बेटी को सानिया है, कोई दिक्कत हुई पेट को लेकर? कोई इससे पहले कुछ भी नहीं हुई थी, दर्द हो रही थी हल्की हल्की, तो उन्होंने ये कहने लगा कोई ऐसी भारी बात नहीं है, छोटी सी ऑपरेशन होगी उसके बाद आपकी लड़की सही हो जाएगी, कोई ऐसा बात नहीं आपकी लड़की की, ये सब बात बोले। हम उन्होंने कहा चलो चुप, कोई बात नहीं है। इन्होंने लेके गए अस्पताल में, और अस्पताल में ले जाकर उन्होंने भर्ती कर दिया, कर ऐसी ऐसी बात है तुम जाओ और कहना लड़की हम जो ऑपरेशन करेंगे। हम चलो फिर ऑपरेशन करें तो कोई बात नहीं है। इन्होंने को नाम कह जो ऑपरेशन कर दिया लड़की को ना, तो इन्होंने कट्टे ले जाकर अंदर और उसको बंद करके अल्लाह के गाड़ी बदल दिया, ने कोई रिपोर्ट दिया ने कोई भी चीज़ दिया हमें। तो ये पूरे है कि पूरे परिवार की क्या हालत है, क्या वहाँ का माहौल बना हुआ है, सब दिन रात परेशान हो रहे हैं, काम धंधा छोड़कर इसी में लगे हुए हैं। 26 तारीख को अस्पताल बाड़ा हिंदूराव एमसीडी का अस्पताल है, वहाँ से घर लेके आए, तब इस चीज़ का पता चला कि इतनी बड़ा गड़बड़ी हेरा फेरी वहाँ के अस्पताल के प्रशासन ने की है, डॉक्टर्स ने की है कि पूरे बॉडी के पार्ट्स निकाल लिए गए और उसके बदले थैली, और वो भी कोई ऐसी वैसी थैली नहीं, यूरिन की थैली यानी पेशाब की थैलियाँ उस पेट के अंदर भर दी गई हैं। और उसके बावजूद आज एक हफ्ता होने को है, ना पोस्टमार्टम हुआ है, सिर्फ उसी तसल्ली मिली। और ये भी जब हुआ है, जब स्थानीय विधायक आए हैं, जब आवाज़ मीडिया तक पहुंची है, जब ये खबर फैली है, उसके बाद थोड़ा बहुत इसमें एक्शन देखने को मिला है। अब हालांकि क्या होता है कल तक, इसकी भी कोई अभी तक पता नहीं है, जनाजा कल तक निकलेगा या नहीं, इसकी भी कोई अभी तक पूरी बात पता नहीं है। मैं हैदर अली कैमरा पर्सन सैफ के साथ झलको दिल्ली।